सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई पिछले 10 दिनों से मुंबई में कर रही है। इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। कहां तक पहुंची है सीबीआई की जांच और क्या रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसते जा रहा है, वो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज अनकट। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पिछले 10 दिनों से सीबीआई की टीम लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही है। इस केस से जुड़े हुए संदिग्धों, गवाहों और मुख्य किरदारों से सीबीआई के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई पहले 7 दिनों तक केशव, नीरज, सैमुअल और सिद्धार्थ पिठानी जैसे किरदारों से पूछताछ करती रही, बयान दर्ज करती रही, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किए और 7 दिनों के पूछताछ के बाद वो दिन आया जब रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया गया। रिया चक्रवर्ती को समन जारी करने के बाद आज तीसरा दिन है जब सीबीआई के अधिकारी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य आरोपी हैं जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उन्हें प्रतिदिन लगभग पिछले 3 दिनों से 11 बजे बुलाया जाता है और रात के वक्त 8 के बाद उन्हें छोड़ा जाता है। इस दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की, क्योंकि जब वो यहाँ से गुजरती हैं या फिर जब अपने घर से निकलती हैं तो उनके पीछे कई लोग पीछा करते हैं, मीडियाकर्मी पीछा करते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस से की। आपको बताते हैं कि पिछले 3 दिनों में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से क्या क्या पूछताछ किया। सबसे पहले शुरुआत होती है 2019 की, जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में आई। उससे जुड़े हुए सवाल सीबीआई ने पूछे, कैसे परिवार के साथ संबंध रहे, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ कैसे संबंध रहे, ये रिया चक्रवर्ती से पूछा गया। यूरोप टूर के बारे में पूछा गया, जहां पर रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत ये तीनों लोग यूरोप में गए थे और वहां क्या कुछ हुआ, और वहां से आने के बाद कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत बिगड़ने लगी और वो डिप्रेशन का शिकार हुए, ऐसा रिया चक्रवर्ती का बयान है। इसके बारे में भी जानकारी हासिल की गई। साथ ही साथ जनवरी 2020 के बाद से किस प्रकार से घटनाक्रम बदला, सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब हुई, किस प्रकार की फिल्में आ रही थी, आमदनी का जरिया क्या था, रिया चक्रवर्ती के आमदनी का जरिया क्या था और जिस प्रकार के पैसे खर्च किए गए, मसलन वाटरस्टोन रिसॉर्ट का खर्च हो, यूरोप टूर का खर्च हो या फिर अन्य खर्च, साथ ही साथ ड्रग्स का एक एंगल जो सीबीआई खंगाल रही है, सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जाता था। कई व्हाट्सएप चैट सामने आए जिसमें यह साबित होता है, यह नज़र आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग जो चरस का तेल होता है सीबीडी ऑयल, वो सुशांत सिंह राजपूत को देने की बात सामने आई है। इस एंगल से भी सीबीआई ने पूछताछ की। आज पूछताछ का तीसरा दिन है। आज पूछताछ के 3 मुख्य बिंदु थे, ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा। इन तीनों विषयों पर सीबीआई ने पूछताछ की। सबसे महत्वपूर्ण पूछताछ का विषय रहा 8 जून को आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि 8 जून ही वो तारीख है जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई और 8 जून की तारीख है जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मितु सिंह अपने गोरेगांव के घर से सुशांत सिंह राजपूत के घर माउंट ब्लैंक में पहुंची। सीबीआई ये जानना चाहती थी कि 2 जून से लेकर 8 जून के बीच आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इसमें इस केस के जो गवाह हैं उनके बयान अलग अलग हैं। नीरज और केशव का कहना है कि सुशांत और रिया में झगड़े होते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने पहले कहा था कि नहीं, इन दोनों के बीच झगड़े नहीं थे, बाद में यह कबूल किया कि हाँ झगड़े होते थे। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर वो घर छोड़कर गई। ऐसे पर सीबीआई ने पूछा कि जब वो खुद से स्वेच्छा से घर छोड़कर गई तो उन्होंने नंबर क्यों ब्लॉक किया। ऐसे तमाम पहलुओं पर सीबीआई ने पूछताछ की। अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यह केस की जांच आ पहुंची है, क्योंकि पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की बहन मितु सिंह रिया चक्रवर्ती के सामने होंगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मितु सिंह को सीबीआई ने समन जारी किया है और उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस आने के लिए कहा है। उनका बयान दर्ज होगा और उनसे क्रॉस क्वेश्चन होगा और फिर जो रिया ने बयान दिया है उनके सामने क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा और ये जानने की कोशिश होगी कि 8 जून से लेकर 12 जून तक क्या हुआ, क्योंकि सुशांत की बहन मितु सिंह 8 जून से लेकर 12 जून तक सुशांत सिंह के साथ ही थी और 14 तारीख को जब सुशांत सिंह राजपूत की का शव उनके कमरे में पाया गया तो सुशांत सिंह के परिवार की वो पहली और आखिरी सदस्य थी जिन्होंने उनके शव को कमरे में देखा था। ऐसे पर एक इस केस की एक बहुत अहम कड़ी, एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार जिन्हें सीबीआई ने समन कर बुलाया है, उन्हें उनके बयानों से काफ़ी कुछ स्पष्ट होगा और रिया चक्रवर्ती जो अपने अलग अलग दावे कर रही हैं उन दावों के पोल भी खुल सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।